अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 9, जिसमें है जियो सिंक्लाइन। हमने फोल्डेड माउंटेन्स में क्या पढ़ा था? सिंक्लाइन, जिसकी शेप क्या थी? इस तरह से, जिसमें यंगर फोल्डर इनवर्ड होता था और ओल्डर आउटवर्ड। अब ये तो हो गया सिंक्लाइन, ठीक है। अब इसी सिंक्लाइन से टर्म निकली है जियो सिंक्लाइन। आज हम ये पढ़ेंगे। होता क्या है? एक नैरो नैरो लॉन्ग और शैलो, शैलो का मतलब कम डीप वाटर बॉडी, जिसमें ये फीचर्स हैं जियो सिंक्लाइन के। सिंक्लाइन की तरह का ही होता है, लेकिन नैरो लॉन्ग शैलो होता है और इसमें वाटर होता है। सेडिमेंट्स मेंस ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स प्लस वाटर, ठीक है। ये तो इसकी हो गया स्ट्रक्चरल फीचर, नैरो लॉन्ग शैलो वाटर बॉडी। होता क्या क्या है इसमें? यही इसी तरह का एक बेसन टाइप बना होता है, इसमें सेडिमेंट्स होते हैं फोल्डेड माउंटेन्स के और प्लस वाटर होता है। ये तो अकेली एक रॉक का स्ट्रक्चर है जो सिंक्लाइन है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर वाटर में एम्बेडेड हो, सी में पाया जाए, तो उसको फिर हम कहीं ना कहीं से रिलेट कर देंगे जियो सिंक्लाइन से। ये इसका स्ट्रक्चरल फीचर्स हो गए। अब जो कॉन्सेप्ट है जो आपके नोट्स में है, वो है हॉल एंड डेना का, ठीक है। दोनों ने एक ही बात की हुई है कि जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं, उन्होंने पढ़ा कि इनके जो डेब्रिज हैं या सेडिमेंट्स हैं, ये वर ऑफ मैरीन, आपको पता है टेरेस्ट्रियल और मैरीन का, ठीक है। ये जो समुद्री या आबी जिसे कहते हैं मैरीन ओरिजन, इन्होंने कहा कि फोल्डेड माउंटेन्स के जो सेडिमेंट्स हैं वो कहीं मैरीन ओरिजन के, मतलब कहीं ना कहीं कभी कभी वो पानी में रहे हैं। इसके लिए फिर उन्होंने जब इसको इन डेप्थ स्टडी किया, तो ये देखा कि ये कहीं जो फोल्डेड माउंटेन्स हैं वो कहीं सी में रहे हैं। उस सी से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो स्क्वीज हो गए, ठीक है। सिंपल क्या है कि माउंटेन्स हैं या रॉक्स हैं, इन सी ये वन, दूसरा ये स्क्वीज हो गए, स्क्वीज इनटू फोल्ड्स, और तीसरा फिर उनमें वाटर फिलिंग या उनकी डीन्यूडेशन, मतलब उनकी जैसे हम वेदरिंग टाइप कहते हैं, उनका वो तखरीब कारी शुरू हो गई, ये तीसरा हो गया, ठीक है। इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट किया। बात सिंपल सी है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है 3-4 मिनट का, कि जियो सिंक्लाइन एक ऐसा फीचर है जिसमें लॉन्ग नैरो एंड शैलो डिप्रेशन है, गहराई है, ठीक है, डिप्रेशन है ये बेसिकली। क्योंकि गहराई होती है, डिप्रेशन सा बना होता है, उसमें फिर पानी फिल हो जाता है और फोल्डेड माउंटेन्स पाए जाते हैं। ये कोई छोटा नहीं होता, ये सी टाइप होता है, या मे बी सी से भी बड़ा हो सकता है। तो